हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोबाइल से पीएफ का फॉर्म, फुल एंड फाइनल फॉर्म कैसे भरते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे फर्स्ट हम क्रोम ये ब्राउज़र ओपन करेंगे। इधर हम गूगल पे सर्च करेंगे पीएफ। सर्च करते ही फर्स्ट मेंबर ऑफ द होम ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन पे हम क्लिक करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करेंगे और हम यूएन के मतलब पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके। हम साइड में दिए गए 3 डॉट पर क्लिक करके हमारा मोबाइल का क्रोम डेस्कटॉप मोड पर सेट कर देंगे। उसके बाद हम इधर यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे। दिए गया हुआ हम कैप्शन जैसा हम फिल पूरा कर लेंगे। फिल होने के बाद हम साइन करेंगे। साइन करते ही हम यूएन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। हम यूएन पोर्टल पर लॉगिन होते ही आपके सामने कैसा इंटरफेस दिखाई देगा। साइड में दिए गए लास्ट वाले ऑप्शन ऑनलाइन क्लेम पर हम क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इधर हम हमारी बैंक डिटेल वेरीफाई करेंगे। जो यूएन पोर्टल से जो बैंक डिटेल लिंक है वो हम इधर बैंक नंबर ऐड करेंगे। यस करने के बाद में हम ये साइड पे आ जाएंगे। आप देख सकते हो दिए गए वो ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 ये फॉर्म के लिए हम अप्लाई करेंगे। इधर हम अभी मेंबर का एड्रेस फिल करेंगे। नंबर का पूरा एड्रेस भरने के बाद नीचे गए बॉक्स में हम अपना चेकबुक अपलोड करेंगे। वो चेक की साइज़ 100 KB से लेके 500 KB के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद में लास्ट में दिए गए गेट आधार ये ऑप्शन पे हम क्लिक करते ही हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा। जो 6 अंकी का OTP होगा वो हम उधर एंटर करेंगे। मोबाइल पे आए हुआ OTP हम इधर अभी एंटर करेंगे और साथ में ही फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद में 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।